हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फरहान अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज के एपिसोड में हम पुष्पा के बारे में बात करने वाले हैं, सुकुमार के बारे में बात करने वाले हैं, पुष्पा पार्ट टू के बारे में बात करने वाले हैं एंड एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सुकुमार जी का बर्थडे था तभी हमने लास्ट बार जो है पुष्पा के कलेक्शन डिस्कस किए थे। अनफॉर्चुनेटली जब से अनाउंस हुआ है कि पुष्पा अमेजॉन प्राइम पे हिंदी में आने वाली थी, वो उसके बाद से कलेक्शन देना उन्होंने बंद कर दिया है। यस, आज रात को ही पुष्पा हिंदी में अमेजॉन पे आ चुकी है एंड आज अगर प्रोड्यूसर ने कलेक्शन नहीं दिया तो मैं आपको बताऊंगा कि एस्टिमेट पुष्पा ने कितना 28 दिनों तक कमाया है, आज इसके बाद कितने सारे शोज बचे हैं, तो ये एपिसोड रात को लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल अब डिस्कस करते हैं अबाउट डायरेक्टर सुकुमार हु हैज डायरेक्टेड पुष्पा। उस दिन सुकुमार को सबसे इंटरेस्टिंग बर्थडे विश जो था वो किया था यहाँ पर विजय देवरकोंडा ने। उन्होंने किया था कैन नॉट वेट टू स्टार्ट द फिल्म विथ यू, यानी कि विजय देवरकोंडा ने पहले ही बाजी मार ली है। उन्होंने कहा है कि भाई पुष्पा बना दी, पुष्पा पार्ट टू बना, उसके साथ तुम और मैं काम करने वाले हैं यहाँ पर। एंड लाइगर के बाद विजय देवरकोंडा का जो क्रेज होगा ना गाइस, एपिसोड यहाँ रहेगा, मैं भी यहाँ रहूंगा, यू विल गो इनसेन। लाइगर विल बी अ पैन इंडिया क्रेज। यस, बहुत लोगों को लग रहा है कि लाइगर, सुल्तान, ब्रदर्स, ये सब फिल्म से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। यू नो इट्स ऑन द लाइंस ऑफ एमएमए, ये एक अलग ही फिल्म है, यू वांट टू रूट फॉर दैट फिल्म। विजय देवरकोंडा ने ट्वीट किया 2021 पुष्पा द राइज, 2022 द रूल एंड 2023 द रैम्पेज। यानी कि देवरकोंडा ने कहा है कि रैम्पेज उसकी फिल्म जो है सुकुमार के साथ वो रैम्पेज होगी। सब लोगों को लगा पुष्पा पार्ट थ्री द रैम्पेज होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देवरकोंडा एंड सुकुमार एक अलग ही फिल्म बनाएंगे। इतना ही नहीं, सुकुमार के पास यहाँ पर रामचरण के साथ भी एक फिल्म है, क्योंकि ऑब्वियसली रंगस्थलम ही गेव एन इंडस्ट्री हिट मैन, तो ऑब्वियसली उसका तो काम करना बनता ही है। एंड ट्रिपल आर के बाद रामचरण कहाँ जाता है, यू नो पैन इंडिया लेवल पे, ये भी हम किसी को पता नहीं। सो गाइस, फिलहाल ये इनके साथ पूरे का पूरा दामोदर है। लेकिन गाइस, अब यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर डायरेक्टर सुकुमार को पूछा गया क्या वो हिंदी फिल्म करना चाहते हैं। उन्होंने रिवील किया है कि खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने उनको कॉल किया है एक फिल्म करने के लिए। अक्षय कुमार इज वर्किंग विद न्यू डायरेक्टर्स, ही इज वर्किंग विद फ्रेश डायरेक्टर्स, ही वांट्स न्यू डायरेक्टर्स इन एवरी फिल्म। बहुत रेयरली यू नो अपने डायरेक्टर्स वो रिपीट करते हैं। यहाँ पर राज मेहता के वापस काम करे सेल्फी में, इट्स एन आउट ऑफ द बॉक्स क्वर्की फिल्म। हाँ गाइस, अब उन्होंने सुकुमार को फोन करके कहा है तुमको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, मुंबई आ जाओ। हाँ, यहाँ पर ऐसा अक्षय कुमार ने कहा है उनको कि कैसे हो तुम, हाँ यहाँ पर तुम मुझसे काम करना है तुमको, तुम मुंबई आ जाओ। ऐसा खुद सोचो, अक्षय कुमार ने सुकुमार को फोन करके बोला, इसीलिए तो अक्षय कुमार ने उस दिन पुष्पा के लिए ट्वीट किया था। ओके, अब समझ में आ रहा है सभी लोगों को पूरा का पूरा सिनारियो। अक्षय कुमार लव्ड पुष्पा, उन्होंने कॉल किया उनको, उन्होंने कहा कि मुंबई आओ मेरे साथ काम करो, तो उन्होंने कहा है जब मुझे करेक्ट स्क्रिप्ट मिलेगी मैं अक्षय कुमार के साथ काम करूंगा। लेकिन इतना जल्दी होने वाला नहीं है, अगर डोंट गेट क्वाइट एक्साइटेड एंड चार्ज्ड अप। अक्षय कुमार खुद एक डजन फिल्म लेके बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स लाइन में लगे अक्षय कुमार को फिल्म साइन करने के लिए। एंड सुकुमार भी बिजी है, उसके पास 2023 में वो देवरकोंडा के साथ काम करेंगे, 2024 में वो यहाँ पे चरण के साथ काम करेंगे, 2025 में देखेंगे तब वक्त मिला दोनों शायद साथ में काम करेंगे यहाँ पर। उन्होंने कहा सुकुमार ने, ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्टर नहीं है बॉलीवुड में जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पर, द स्क्रिप्ट डिफाइज एंड डिसाइड्स द एक्टर, यानी कि जो स्क्रिप्ट है वो खुद अपनी एक्टर को चुनती है। एंड गाइस, उन्होंने कहा है कि यस, मैं अक्षय सर के साथ काम करना जरूर पसंद करूंगा। वेल फ्रेंड्स, पुष्पा द रूल रहने वाली जो है वो पार्ट टू, ये खात्मा होगी, जिस तरह से बाहुबली टू द कंक्लूजन थी, वैसे पुष्पा द रूल कंक्लूजन होने वाली है। ये पुष्पा के जीवन में एक फुल स्टॉप लगाइए, क्या उसका अंत होगा, क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन ये एक लड़ाई होगी बिटवीन नर देन इंस्पेक्टर शेखावत, यानी के तूफानी टकले फाद फासिल एंड साथ में नर देन थगदले पुष्पा के बीच में। उन्होंने कहा है पुष्पा टू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सॉलिड प्रीमाइस है, इस बार मैं अपनी ऑडियंस को जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। एंड पुष्पा इज स्लेटेड टू रिलीज 2022 के दिसंबर में, सेम डे पे वो पुष्पा पार्ट टू यानी कि द रूल रिलीज करने वाले हैं। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आएगा, पसंद आया होगा। पुष्पा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर प्रोड्यूसर्स भेजते हैं तो जरूर एपिसोड बनाऊंगा, नहीं तो इसके एस्टिमेट्स जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। ओके, स्मैमन सारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून एंड ऑलवेज रिमेंबर पुष्पा, पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला, स्टे कूल मैन।